पथरी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज हम आपके लिए कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण पाल की सलाह लेकर आए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण पाल बताते हैं कि आज हमारी बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से पथरी की समस्या बहुत आम हो गई है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हर किसी को पथरी की शिकायत है, या तो किडनी की पथरी या पित्ताशय की पथरी या कोई अन्य पथरी। पथरी होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जब तक पथरी का आकार छोटा होता है तब तक बहुत से लोगों में इसके लक्षण भी नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों में इन पथरी का पता तब चलता है जब वह किसी और बीमारी के लिए अपने टेस्ट करवा रहे हों। पथरी का रोग बहुत से मरीजों में दिखाई देने वाला एक महत्वपूर्ण किडनी रोग है। पथरी के कारण असहनीय पीड़ा, पेशाब में संक्रमण और किडनी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पथरी के बारे में और उसे रोकने के उपाय को जानना जरूरी है। तो सुनिए कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण पाल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पथरी की समस्या बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं में बराबर अनुपात के हिसाब से पथरियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारी पथरियों का कारण तो कुछ खान पान के वजह से और कुछ खून की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें खून में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होने के कारण, जो कि पेशाब के थ्रू निकलता है, तो उसमें उसके कण जम जाते हैं किडनी में, तो वो आगे चल के पथरी का रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे कण जो किडनी में जमा होते रहते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास ये है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन ना करें, खाने में नमक की मात्रा कम रखें और मीट मांस का ज़्यादा सेवन ना करें। यही मोटे मोटे तो यही हैं। बाकी अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे किसी पेशेंट को यूरिक एसिड की समस्या है, तो उनमें भी कभी कभी यूरिक एसिड संबंधित स्टोन बनने का चांस रहता है। तो हमें चाहिए कि उसका सही प्रॉपर इलाज हो, उपचार हो, है ना। तो उससे फिर आगे इन स्टोन्स के होने में रोकथाम की जा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी पेशेंट अगर आपके जान पहचान में, परिवार में कभी भी स्टोन या संबंधित रहे, तो उसको हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे उसका प्रॉपर डॉक्टरी परामर्श से इलाज, और हो सके तो यूरोलॉजिस्ट से, क्योंकि वही एक सही तरीका रहता है। उससे स्टोन की मैनेजमेंट होती है, आगे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से बचता है, और दूसरी चीज़, सही इलाज लेता है तो एक बाकी भी जागरूकता आती है, बाकी समाज में भी जागरूकता आती है स्टोन के, ख़ास तौर से स्टोन के पेशेंट के मैनेजमेंट में, जहाँ पे अभी भी लोग ये सोचते हैं कि देसी इलाज काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, जो कि एक भ्रांति है, है ना। और दूसरा, बाकी रोकथाम के लिए मोटा मोटा बस यही है कि पानी अच्छा पिए, 2 से 2.5 लीटर पानी पिए डेली। बहुत एक्सेस भी पानी पीने से कोई लाभ नहीं है। 2 से 2.5 लीटर एक ऐसा हेल्दी अमाउंट है कि जिससे पेशाब आपको अच्छा रहेगा, अच्छा फ्लो रहेगा, तो उतना ही बढ़िया आपके जो भी कण रहते हैं, छोटे मोटे कण रहते हैं, वो घुल के पेशाब में निकलने के चांस बढ़ते हैं। दूसरा, 1 ग्लास दूध का सेवन डेली करें। महिलाएं, खास तौर से हमारी महिलाओं को कैल्शियम की कमी रहती है, उसके कारण भी ऑक्सलेट स्टोन्स के बढ़ने की समस्या रहती है, तो 1 ग्लास दूध कम से कम सेवन रहना चाहिए एक दिन में। और कम नमक खाने में, नमक की मात्रा अधिक भी किडनी स्टोन्स का बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे समाज में जैसे अचार का सेवन और इस तरीके से नॉन वेज डाइट, खास तौर से दूसरी चीज़ है ना, नॉन वेज डाइट हाई, क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो इस वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स के बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये मोटे मोटे अपने कुछ परहेज हैं जिनसे हम बच सकते हैं स्टोन की बीमारी से। बाकी मेन मेरा जो कहना है वो ये है कि कभी भी स्टोन हो, क्योंकि रोकथाम कितना इसमें सक्षम है ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जिसको, क्योंकि कभी कभी वो खून में ही ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि आगे चल के पथरी बनाती ही बनाती हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता।
तो सही टाइम पे, सही वक्त पे सही इलाज मिले, वही एक मरीज के लिए सक्सेस है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, वो तो आगे परहेज़, एक बार इलाज हो जाता है उसके बाद संभव है। हमारे पिछले माह से करीबन 37 से 40 के बीच में मेजर और इतने ही करीब 37-40 माइनर ऑपरेशन हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं थोड़ी एक तरीके से लिमिटेड हैं, एक अकेला यूरोलॉजिस्ट हो तो उस हिसाब से अभी उतनी ना हमारे पास ओटी की क्षमता है और ना सुविधा है, तो अपने लिमिटेड सुविधाओं में जितना हो सकता है हम उसमें कर रहे हैं काम, और काफ़ी हद तक सफलता से काम कर रहे हैं। बहुत पेशेंटों को फ़ायदा है यहाँ पे, है ना, तो कोशिश जारी है हमारी। काफ़ी हद तक हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ ऑपरेशन जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे दूरबीनों के आने से, उनकी संभावना और मतलब उनके होने का अब इंतज़ाम है अस्पताल में, तो एक अच्छी बात है। जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको काफ़ी सुविधा है उससे। डेली के डेली हम जो इमरजेंसी ऑपरेशन जो पहले कभी कभी रिफ़र करने पड़ते थे उनको भी अटेंड कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।